नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और पूरी दुनिया में तनाव है। ग्लोब पर दिखने वाले ज्यादातर देशों के तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ हिसाब लगा रहे हैं कि अगर रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते तो क्या होगा, अगर डेमोक्रेट कमला हैरिस व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब रही तो उसका साइड इफेक्ट्स किस तरह से दिखेगा। अमेरिका में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला दिख रहा है। 5 नवंबर को अमेरिका के लोग अपने वोट से तय करेंगे कि अगले 4 वर्षों तक व्हाइट हाउस में कौन रहेगा। इस बार अमेरिका की अगुवाई कौन करेगा ये तय करने में वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि हाल में आए द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएना कॉलेज के एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को बराबर वोट मिलने की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में अगर अमेरिका में रह रहे 1.5% भारतीय मूल के वोटरों ने एक तरफा वोट कर दिया तो किसी का भी खेल बन या बिगड़ सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनके भारत कनेक्शन को आगे कर इंडियन अमेरिकी वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर रिपब्लिकन ट्रंप भी खुद को इंडियन अमेरिकी का हितैषी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दरअसल वहां की राजनीति से कारोबार तक में भारतीयों की दमदार मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के माहौल के बीच वहां की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में भारतीयों की भूमिका को समझना और जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने में भारतीय मूल के लोगों का कितना बड़ा हाथ है, वहां की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भारतीय किस तरह घुले मिले हैं और आज की तारीख में अमेरिका का ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसमें भारतीय टैलेंट का डंका न बज रहा हो। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे ही पहलुओं पर चर्चा करेंगे अपने स्पेशल शो अमेरिका में इंडिया फैक्टर में। तैतीस करोड़ आबादी वाले अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की तादाद करीब 50 लाख है। मतलब अमेरिका की जनसंख्या में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 1.5% है। परंपरागत तौर पर भारतीय अमेरिकी वोटरों का झुकाव रिपब्लिकन की ओर रहा है, लेकिन साल 2020 में 65% भारतीयों ने डेमोक्रेट बाइडेन को वोट दिया। इसकी एक बड़ी वजह डेमोक्रेट पार्टी का प्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स को लेकर उदार रवैया रहा। बाइडेन मामूली अंतर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इस बार बाइडेन खुद ही राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस मैदान में हैं। बदले समीकरणों में माना जा रहा है कि भारतीय मूल के लोगों का वोट ये तय करेगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति की रेस में दोनों दावेदारों के बीच कांटे का मुकाबला है, इसलिए एक एक वोट जोड़ने की जुगत चल रही है। वैसे तो अमेरिका की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 1.5% है, जिसमें मुश्किल से 1% को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन इंडियन अमेरिकन वहां की राजनीति में बहुत एक्टिव हैं। भारतीय मूल के जो अमेरिका में लोग बस गए हैं वो राजनीतिक तौर से काफी एक्टिव हैं, पर ये है कि अभी छोटी आबादी है। अमेरिका की पूरी आबादी को लेके भारतीय मूल के लोग 4 या 5 मिलियन होंगे, उसमें से कितने ग्रीन कार्ड वाले हैं, कितने वोटर्स हैं, तो वो 1% से भी कम वोटर्स हैं। पर ये है कि दोनों पार्टी से कई कैंडिडेट्स भारतीय मूल के हैं और बढ़ रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले आधे से अधिक भारतीय मूल के लोग कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूजर्सी और न्यूयॉर्क में रहते हैं।
कांटे के मुकाबले की स्थिति में भारतीय मूल के वोटर्स का झुकाव डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकता है। पहले अमेरिका में रह रहे भारतीयों की पसंद डेमोक्रेट उम्मीदवार हुआ करते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन अमेरिकी वोट का बड़ा हिस्सा कमला हैरिस को जाना चाहिए, लेकिन हाल में वोटिंग पैटर्न में बदलाव महसूस किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में 2016 में जो ट्रंप जीते और 2020 में और अब जो 24 जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा रुझान रिपब्लिकन्स की तरफ बढ़ रहा है। तो मानिए अगर पहले 80% डेमोक्रेट्स को देते थे और 20% रिपब्लिकन्स को देते थे, तो अब शायद करीब 25% रिपब्लिकन्स की तरफ जा रहे हैं और 75% डेमोक्रेट्स, तो वो तो वोट हो गए। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का, और वो है पैसा। अमेरिकन इलेक्शंस में पैसा लीगल है, कैंपेन डोनेशन लीगल रूप से चेक से आप कर सकते हैं, तो करते हैं सब। अब इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एवरेज से ज़्यादा अमीर है हम कहेंगे, तो ऐसे में डोनेशंस जो कैंपेन की हैं वो भी ज़्यादा जाती है। तो इसलिए दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट्स, रिपब्लिकन के हों या डेमोक्रेट के, वो भारतीय मूल के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें वोट तो वोट है पर वोट के अलावा पैसा जो है अपने कैंपेन्स के लिए रेस करने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर्स के बीच अच्छी जगह बनाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 7 स्विंग स्टेट में भारतीय मूल के वोटर्स की भूमिका अहम होगी, जिसमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नेवादा और नॉर्थ कैरोलिना में मामूली अंतर से डोनाल्ड ट्रंप की मामूली बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय मूल के वोटर्स ने कमला हैरिस के पक्ष में एक तरफा वोटिंग कर दी या उनके पक्ष में वोटिंग के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को जोड़ लिया, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस की व्हाइट हाउस की राह आसान होगी। जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उसके, मैं सुनता हूं कि उनके जो स्पीच राइटर हैं वो भी एक भारतीय हैं, तो ये देखना चाहिए कि पॉपुलेशन काफ़ी साइजेबल है। करीब 1.35% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो इंडो अमेरिकन्स है वहाँ पर, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ज़रूर। लेकिन बात यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत होमोजीनियस नहीं है, पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं रिपब्लिकन्स में भी और डेमोक्रेट्स के बीच में, तो इसका अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने लोग कहाँ पर वोट करेंगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि आम तौर से जो उनकी सिंपैथी है वो कमला हैरिस के नाम पे होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज वोट से होता है। वहां के सभी राज्यों को मिलाकर 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। जीत के लिए 270 के जादुई आंकड़े को हासिल करना होगा। 7 स्विंग स्टेट्स को जोड़ दिया जाए तो वहां इलेक्टोरल कॉलेज के खाते में 93 वोट आते हैं, जहां जीत हार में एक एक वोट अहम भूमिका निभाएंगे। बाकी के बचे इलेक्टोरल कॉलेज वोट में से 226 कमला हैरिस और 219 डोनाल्ड ट्रंप को मिलने का अनुमान है। ऐसे में सारा दारोमदार 7 स्विंग स्टेट्स के 93 वोट पर टिक गया है, उसमें भी खास तौर से पेंसिल्वेनिया में, जहां इलेक्टोरल कॉलेज के पास 19 सीटें हैं। पेंसिल्वेनिया के बाहरी वोटर्स में सबसे बड़ा समुदाय इंडियन अमेरिकी है, जहां 1.5 लाख से अधिक वोटर भारतीय मूल के हैं। इसलिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने कई बार पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभाएं की। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की तारीख 5 नवंबर तय है, लेकिन अर्ली वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। भारतीय मूल के अमेरिकन वोटर स्विंग स्टेट्स में निर्णायक भूमिका में हैं। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन को स्विंग स्टेट्स माना जाता है, जहां किसी भी पार्टी का वर्चस्व नहीं है, जहां के नतीजों को लेकर न डेमोक्रेट्स कॉन्फिडेंट हैं और न ही रिपब्लिकन। ऐसे में स्विंग स्टेट्स में रहने वाले भारतीय मूल के वोटरों के हाथों में व्हाइट हाउस की चाबी मानी जा रही है। टेक्सास, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में भी भारी तादाद में भारतीय बसे हैं, जिनका वोट
अपनी ओर खींचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर कमला हैरिस के भारत कनेक्शन को आगे कर डेमोक्रेट्स भारतीय मूल के वोटरों को जोड़ने में लगे हैं तो ट्रंप भी अपने साथ विवेक रामास्वामी और निकी हेली को लेकर चल रहे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है जिनकी पत्नी उषा वेंस का भारत से कनेक्शन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय मूल के अमेरिकन्स का वोट हासिल करने के लिए सिर्फ भारतीय कनेक्शन ही काफ़ी नहीं है। वहाँ रहने वाले भारतीय अमेरिकन्स की बुनियादी चिंताओं को दूर करना भी ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर भारत से अपने लगाव का इजहार कर चुके हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो भी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति की रेस में हैं। लोग उनके वादों पर भरोसा करते भी दिख रहे हैं। जब वो टैक्स में कटौती और छोटे कारोबार को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं उनकी ये बातें अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को पसंद आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने के लिए मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन, मौजूदा टैक्स में कमी, छोटे कारोबार को बढ़ावा, भारत के साथ मजबूत रिश्तों की बात कर रहे हैं। ट्रंप ये बताने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि रिपब्लिकन का भारत से कितना गहरा रिश्ता है। कहा जाता है कि ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव रखते थे। इस वाले इलेक्शन में थोड़ा सा एक डिवीजन आ गई है और वो थोड़ा सा उनका झुकाव रिपब्लिकन्स की तरफ भी जा रहा है क्योंकि टैक्सेस पे और टैक्सेस पे और इकोनॉमी पे और इमिग्रेशन पे तीनों चीज और इंडिया यूएस रिलेशन ये तीनों चारों फैक्टर्स हैं जो थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा का को और वो थोड़ा उनको लग रहा है कि इस मामले में इन चार मामलों में झुकाव तो इनका ट्रंप पॉलिसी या रिपब्लिकन पॉलिसी ज़्यादा फेवरेबल होंगी उनके लिए और शायद वो रिपब्लिकन्स की तरफ झुक गए हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी और निकी हेली ने राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप का समर्थन किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलिकुरी वेंस का कनेक्शन आंध्र प्रदेश से है। भारतीय मूल के दो गवर्नर्स भी रह चुके हैं पहले, एक तो निकी हेली जो ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से खड़ी हुई थी और दूसरा जो खड़ा हुआ था ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से वो भी भारतीय मूल के थे, विवेक रामास्वामी। और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अब कमला हैरिस जो आधी भारतीय मूल की हैं वो उनकी कैंडिडेट ही बन गई हैं और चुनाव ट्रंप से लड़ रही हैं। तो इससे दिखता है कि वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं वो अमेरिकन राजनीति में घुल गए हैं। भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए कमला हैरिस और उनकी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट की बात कर रही है। ये भारतीय मूल के अमेरिकियों में एक बड़ा मुद्दा रहा है। रेसिज्म यानी रंग भेद से जुड़े हमलों और अपराधों से सख्ती से निपटने का वादा किया गया है। कमला हैरिस की जड़ें तमिलनाडु से जुड़ती। उनकी माँ श्यामला गोपालन पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी और वहीं की होकर रह गई। ऐसे में कमला हैरिस के इंडिया कनेक्शन को आगे कर डेमोक्रेटिक पार्टी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही। कमला हैरिस अमेरिकन सिटीजन है और अगर वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है तो उसको अमेरिका के हितों को देखना पड़ेगा। अक्सर हम लोग इमोशनली कई बार भारत में बैठे बैठे ये सोचते हैं कि भारत मूल का जो भी व्यक्ति होगा वो भारत को फेवर करेगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए मैं मानता हूँ, क्योंकि जहाँ तक अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट एक है वहाँ पर अमेरिका मदद करेगा चाहे कोई प्रेसिडेंट हो। और हमने देखा है पहले ट्रंप भी इंडिया को सपोर्ट करते थे, बाइडेन ने भी सपोर्ट किया, ओबामा ने भी सपोर्ट किया, उनसे पहले बुश ने भी सपोर्ट किया। तो ये उसकी एथनिसिटी पे हमको कोई पॉलिटिकल डिस्कर्स
डिसीजन नहीं निकाल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमारे अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से। भले ही आज की तारीख में अमेरिका में भारतीय मूल के लोग संख्या में कम हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति में भारतीयों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ये अमेरिकी पॉलिटिक्स में भारतीयों की सक्रियता का कमाल है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति की कुर्सी से एक कदम दूर हैं। निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर जैसी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाती। प्रमिला जयपाल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनी जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन जाती। बॉबी जिंदल, अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति जैसी कई हस्तियों ने अमेरिकी सियासत में बहुत चमकदार जगह बनाई है। भले ही अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 1.5% के आसपास है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में भारतीय मूल के लोग कई मोर्चों पर इंजन की भूमिका में हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हो या अल्फाबेट के सुंदर पिचई, एप्पल की टॉप मैनेजमेंट में शामिल सभी खान हो या फिर टेस्ला के CFO वैभव तनेजा, ऐसे कई नाम हैं जो दुनिया की दिग्गज कंपनीज को आगे बढ़ाने में ड्राइविंग सीट पर है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 16 की कमान भारतीय मूल के CEOs के हाथ में है, जिनके मातहत 27 लाख अमेरिकन्स काम कर रहे हैं। वहाँ की दिग्गज कंपनियों में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ डेटा ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जैसे बड़े टेक्निकल पदों पर भारतीय हैं। भारतीय मूल के अमेरिकन्स वहाँ की अर्थव्यवस्था में करीब $1 trillion का रेवेन्यू जेनरेट कर रहे हैं। अमेरिका की होटल इंडस्ट्री में भी भारतीयों का डंका बज रहा है। वहाँ के 60% होटलों के मालिक भारतीय मूल के अमेरिकन्स हैं। औसत कमाई के मामले में भी अमेरिकन से दुगना भारतीयों की कमाई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने दुनिया के 15 दिग्गज टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO से मुलाकात की। इसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एडोब के प्रेसिडेंट और CEO शांतनु नारायण, IBM के CEO अरविंद कृष्णा जैसे भारतीय मूल के लोग शामिल रहे। अमेरिका की कई दिग्गज टेक कंपनियों की कमान या तो भारतीय मूल के लोगों के हाथों में है या उनमें भारतीय अहम किरदार निभा रहे हैं। फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, यानी कि टॉप 500 कंपनीज, उनमें से करीब 10% कंपनीज जो हैं उनके CEOs भारतीय ओरिजिन के हैं। ये आपके सत्य नडेला, सुंदर पिचई, कृष्णन, अडोबे के, IBM के, एक्सेंचर के इत्यादि इत्यादि के, राइट। तो करीब 50 कंपनीज आउट ऑफ 500 जो दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी हैं, उनके जो टॉप CEOs CXOs हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में काफी अमीर हैं, अमीर तबके में गिने जाते हैं। उनकी आमदनी आम आदमी की आमदनी से ज्यादा है और टेक्निकल तौर से, बिजनेस तौर से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, खास तौर से सिलिकॉन वैली में। अमेरिका के सिलिकॉन वैली गवाह है कि वहां के टेक इंडस्ट्री में भारतीय टैलेंट की कितनी मांग है। एक आंकड़े के मुताबिक सिलिकॉन वैली में हर तीसरा तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल का है। भारतीय मूल के 115 कार्यकारी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। अमेरिका में हर पांचवा प्रवासी डॉक्टर भारतीय है। अमेरिका में टेक कंपनियां चलाने से लेकर अस्पतालों में इलाज तक, यूनिवर्सिटी से पढ़ाने से लेकर बिजनेस तक में भारतीय मूल के लोग छाए हुए हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशंस दर्शाती हैं। इसके अलावा ओवरऑल देखिए, वॉल स्ट्रीट में जितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस है। डॉक्टर्स अंदाजन करीब 20% या इससे ज़्यादा शायद इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं अमेरिका में। प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज, डीन्स, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन, जॉर्जिया टेक के डीन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, बड़े नामी कॉलेजेस के जो डीन्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं।
तो वो ओवरऑल भारतीय ओरिजिन के लोगों की डेप्थ दिखाता है अमेरिकन सोसाइटी में, हर तबके में जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने में भारतीयों के आसानी से फिट और सफल होने की कई वजह, एक अच्छी पढ़ाई, दूसरा बुनियादी पारिवारिक मूल्य, तीसरा मेहनती और जुझारू होना, चौथा बदलाव के हिसाब से खुद को ढालने की आदत। शायद इसीलिए अमेरिका के ज्यादातर सेक्टर में भारतीयों का डंका बज रहा है। इनोवेशन इन न्यू इन्वेंशंस इन रिसर्च इसमें, और नासा में भी आपको पता है, और सब जगह हर हर जो एक आगे हाई टेक्नोलॉजी में सब जगह इंडियन डायस्पोरा की एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। कुछ महीने पहले टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने भारतीय मूल के एक इंजीनियर अशोक एलुस्वामी की तारीफ की। उन्होंने एलुस्वामी को टेस्ला की एआई और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर में सफलता की वजह बताया। भले ही अमेरिका की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या सिर्फ 1.5% है, लेकिन टैक्स से होने वाली अमेरिका की कमाई में करीब 6% भारतीय मूल के लोग जमा करते हैं। भले ही अमेरिका की पॉलिटिक्स में भारतीय मूल के लोग उतने सफल न हो, लेकिन कारोबार में अपना झंडा बुलंद कर रखा है। इसकी एक बड़ी वजह है भारतीयों का किसी भी समुदाय के साथ तेजी से घुल मिल जाने वाली प्रवृत्ति और वहाँ की संस्कृति के मुताबिक खुद को ढाल लेने वाली लचीली सोच, वहाँ की बोली को तुरंत सीख लेने वाला हुनर, सबसे बड़ी बात दूसरों की परंपरा, संस्कृति और बोली का सम्मान है। शायद इसलिए अमेरिका में इंडिया फैक्टर की धमक चारों ओर दिख रही है। कुछ महीना पहले भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि पुराना जोक ये था कि अगर आप भारतीय हैं तो अमेरिका में सीईओ नहीं बन सकते, नया जोक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो अमेरिका में सीईओ नहीं बन सकते। एरिक गारसेटी की बात बहुत कुछ इशारा कर रही है। राजनीति और बिजनेस से इतर अगर कूटनीतिक मोर्चे पर देखें तो हाल के वर्षों में भारत अमेरिका बहुत करीब आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बाद अमेरिका में जो बदलाव होगा उसका भारत और दुनिया पर किस तरह से असर पड़ेगा। ईरान इसराइल के बीच अघोषित युद्ध जारी है। इसकी चपेट में पूरे अरब वर्ल्ड के आने की आशंका जताई जा रही है। हमास और इसराइल में पिछले साल भर से युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह के सफाई के नाम पर लेबनान के शहर खंडार में तब्दील हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 975 दिन से लड़ाई जारी है। ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि यूक्रेन और इसराइल को पीछे से ताकत अमेरिका से मिल रही है। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर चाहे डोनाल्ड ट्रंप बैठे या कमला हैरिस, दुनिया के झगड़ों को सुलझाने या और उलझाने में किस तरह की भूमिका निभाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हुए, चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहे हो या फिर जो बाइडन। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी से लेकर कारोबार तक लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में 5-10 सालों में अमेरिका से हमने ज़्यादा हथियार खरीदने शुरू किए हैं। हम अपनी डिपेंडेंस रूस के ऊपर कम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सेमीकंडक्टर्स बनाना है, ये सब आने से हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी ज़्यादा खरीदेंगे और डिफेंस प्रोडक्ट्स में जॉइंट प्रोडक्शंस की भी बात हो रही है। तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दोनों देश एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और उसमें यह भी होगा कि अमेरिका का ये हित है कि वो अपने हाथ हथियार हमको बेचें, और जैसा चीन से हमको खतरा लग रहा है, पाकिस्तान हमारी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो हम भी आजकल हथियार खरीदने में एक अग्रणी देश है और इसीलिए अमेरिका पर हमारी निर्भरता भी इस क्षेत्र में बढ़ेगी। समंदर में चाइना की घेराबंदी के लिए क्वाड जैसा मंच बना है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं।
भारत अमेरिका के रिश्तों को समय समय पर रिचार्ज करने के लिए कई मैकेनिज्म बने। कई मोर्चों पर दिल्ली वॉशिंगटन के साझा हित होने के बाद भी भारत अमेरिका के रिश्तों में उतार चढ़ाव नई बात नहीं। आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ ना कुछ तनाव जरूर आएगा, ऑलरेडी है भी, वो तनाव आएगा भी। और अमेरिका भारत को देखता है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेरे पाले में खड़ा हो। अब भारत उतना क्लियर कट किसी के पाले में नहीं जाता। वो रशिया के मुद्दे में भी वही रहा, अमेरिका पुश करता रहा इंडिया को कि आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, रशिया से तेल बंद करो, परंतु भारत ने नहीं करा। अल्टीमेटली अमेरिका समझा और एडजस्ट किया। तो हमारे रिश्तों की आई थिंक जो मैच्योरिटी आएगी वो ये आएगी, दोनों देशों को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा अमेरिका के साथ कुछ, और कुछ अमेरिका को हमसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि कूटनीतिज्ञों का अनुमान है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने में कामयाब रही तो बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति को आगे बढ़ाती दिखेंगी, अमेरिका में भारतीयों के लिए पढ़ाई लिखाई की राह आसान होगी, व्यापार और सामरिक साझेदारी बढ़ने की संभावना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रेस में बाजी मार लेते हैं तो भी भारत अपने लिए संभावना देख रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होने के ग्रह गोचर बने रहेंगे, चाइना के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के समर्थक नहीं है, ऐसे में अमेरिका के पाकिस्तान और बांग्लादेश में दखलंदाजी कम हो सकती है। मतलब भारत को कमला और ट्रंप दोनों में बराबर की संभावना दिख रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर चाहे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप बैठे या फिर डेमोक्रेट कमला हैरिस, दोनों के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को साधे रखना जरूरी है और मजबूरी भी, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में ये वर्ग बहुत प्रभावशाली है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर रहे और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चलने में अपने मुल्क की बेहतरी समझी। अगर डेमोक्रेट कमला हैरिस व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब रहीं तो उनके सामने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में उनके मौजूदा कूटनीतिक ट्रैक से इधर उधर होने के चांस कम हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री बेहतर रही है, लेकिन बड़ी चिंता इस बात की है कि दुनिया में चल रहे तनाव और युद्ध को कम करने में अमेरिका के नए राष्ट्रपति की भूमिका कैसी रहेगी। वो दुनिया में युद्ध की आग को और भड़काएंगे या बुझाने में ईमानदार भूमिका निभाएंगे। आज बस इतना ही। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।